है भागा हो। तो अभी आधा एक घंटा थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद अभी हम लोग निकले हमारे फिफ्थ और नए डेस्टिनेशन पे, बहुत बढ़िया जगह जो कि है जटावी पार्क। जटावी पार्क है वो पद्मनाभ स्वामी से लगभग कुछ 50-55 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी हम लोग निकले हैं 5:30 बजे, वो पार्क बंद होता है, अभी बज रहे हैं 4, पता नहीं हम लोग टाइम पे पहुंच पाएगा कि नहीं। When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. I've got no makeup. How do you look so fine? Bust up, how did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. गाड़ी पार्क की है यहाँ पे, गाड़ी पार्क करके भाई वॉक हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे जटावी पार्क को विजिट करने के लिए आए हैं। हम लोग भी निकल रहे भाई पाई थोड़ा सा वॉक करते हुए। ये यहाँ पे देखिए डिंक निकल रहे, सभी पेड़ों को ऐसे लगा चाहे। यहाँ पे बाई वॉक अगर जाना है तो 350 है, और अगर आपको रोप वे से जाना है जो कि 5:30 के पास पे हो जाता है तो रोप वे है 1-2 साइड वे का है 615। तो वॉक करते हुए फिर हम लोग पहुँचेंगे रोप वे के डेस्टिनेशन पर, और तो फिर वहाँ से हम लोग रोप वे के सहारे सीधा जटायू पार्क। सो गाइस, ये जटायू का मेन एंट्रेंस है और यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि ये भाई साहब बहुत बात है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको लाइन में लगना बहुत ज़रूरी है, और ये सारी की सारी लाइन रोपवे के थ्रू जटावी पार्क जाने के लिए है। तो बस निकलते हैं। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the door, so won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. Somebody else, and that is you. Ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Jatayu Earth ki ek bahut hi khoobsurat pool. ऐसा कहा जाता है जब रावण सीता जी को लंका ले जा रहे थे तभी जटायु ने उन्हें बचाने की काफ़ी कोशिश की, और इस युद्ध के दौरान रावण ने जटायु का एक पंख काट दिया जिस कारण जटायु यहां आके गिर गया। लेकिन उन्होंने अपने प्राण तब तक नहीं त्यागे जब तक ये खबर वो राम जी को न बताए। ये स्टैचू 200 फीट लंबी, 150 फीट चौड़ी, 70 फुट ऊँची, 15,000 वर्ग में फैले दुनिया के सबसे बड़ी बर्ड स्कल्पचर स्टैचू डिज़ाइन किया है राजीव आचल जी ने। सच में यहाँ पे भी आने के बाद बहुत 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 अच्छा लग रहा है। इस जगह की ये मेरी और एक फेवरेट जगह है जहाँ पे आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते हो। यहाँ पे इस स्कल्पचर के बारे में काफी डिटेल्स में लिखा है, साथ ही में यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर इन्होंने बनवाया है। तो यहाँ पे हम इसको एंड करते हुए अभी बढ़ रहे हैं।
घर की दिशा की ओर, जो कि यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पर है। जाते समय काफ़ी ट्रैफिक लगने वाली। आई होप आपको तो मज़ा ही आया होगा। वीडियो में कमेंट जरूर करना। आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।